नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम। आपका हमारे अपने ही YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि शुभ कार्यों में कलश पूजन क्यों करना चाहिए। कलश यानी क्या, इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसी कौन सी भी पूजा नहीं है जहां उस पूजा में कलश पूजन नहीं होता हो। हम जब भी सबसे पहले नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले हमें गृह प्रवेश करना आवश्यक है और उस पूजा में कलश पूजन का बहुत ही महत्व माना गया है। आखिर है क्या ये कलश पूजन, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। धार्मिक विधियों में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि है क्या ये कलश, इसका कलश का महत्व क्या है। पूजा की विधि में यह मिट्टी, पीतल या तांबे का पात्र होता है जिसे पानी से भरा जाता है। आम के पत्ते उसके मुंह पर रखे जाते हैं और फिर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। एक लाल अथवा सफेद रंग का धागा उसके पात्र के मुंह के तरफ बांधा जाता है और कभी कभी बड़े ही पेचीदा रूप से हीरे के आकार से सजाया जाता है। अब इस पात्र को कलश कहा जाता है। जब यह पात्र पानी अथवा चावल से भरा जाता है, इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। यह पूर्ण कुंभ जड़ तत्व का द्योतक है और इसे जब दैवी ऊर्जा शक्ति से भरा जाता है तब इसमें कई आश्चर्यजनक कार्य करने की शक्ति आ जाती है। यह कलश पूरे धार्मिक संस्कारों के साथ कई महत्वपूर्ण अवसरों पर जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, पूजा आदि में रखा जाता है। यह प्रवेश स्थान पर रखा जाता है जिसे स्वागत का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार से पारंपरिक रूप से किसी पुण्यात्मा या पवित्र व्यक्ति के स्वागत में उपयोग में लाया जाता है। कलश पूजन के पीछे की धार्मिक मान्यता ऐसी है कि इस विश्व के निर्माण से पूर्व भगवान श्री विष्णु समुद्र में शेषनाग की शैया पर दुधिया में समुद्र में लेटे रहते थे। उनके नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा अवतरित हुए और उन्होंने इस विश्व और प्रकृति का निर्माण किया। इस कलश में का पानी यह पारंपरिक काल का पानी माना जाता है, जबकि इस विश्व का निर्माण हुआ पानी यह सभी के लिए जीवनदायी तत्व है और जिसमें अनेक नाम और रूप लेने का सामर्थ्य है और जो इस विश्व में की पवित्र शक्तियों के पीछे की ऊर्जा है। मानसिक आवाहन करके पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र नदियों का जल जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि के जल को उस प्रकार वेदों को और सभी देव ईश्वरीय तत्वों को इस कलश में अवतरित होने का आवाहन किया जाता है, जिससे इसमें कलश में सभी पवित्र जल एकत्रित होकर अत्यंत पवित्र बन जाता है। पत्ते और नारियल यह उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह धागा जो है यह प्रेम का प्रतीक माना जाता है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध रखता है। उसके पश्चात इस कलश में का जल यह सभी धार्मिक विधियों में और अभिषेक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मंदिर के निर्माण के समय यही कुंभाभिषेक बहुत ही बड़े पैमाने पर और कई कलशों द्वारा मंदिर के ऊपरी भाग पर डालकर किया जाता है। ये तो हमने जान लिया धार्मिक कारण। अभी हमारे लिए जानना आवश्यक है कि इसके पीछे शास्त्रीय दृष्टिकोण साइंस क्या कहता है, ये हम जानते हैं। पूर्व काल में जब समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समुद्र मंथन के समय निकले कलश में अमृत था जो देवों ने अमर बनने के लिए उपयोग में लाया गया था। आज के इस आधुनिक युग में एक बात शास्त्रीय रूप से सिद्ध हो गई है कि अपने अर्धचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बात भर दी जाती है वो पूरी होती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक विचार करते रहना चाहिए ताकि जीवन में सभी कार्य सकारात्मक करने में अपने आप पूरे होते हैं। उसी प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ मानसिक रूप से ये किए गए आह्वान भी निश्चित ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। कलश यह अमरत्व का द्योतक है। ज्ञानी मनुष्य इस कलश के माध्यम से उस असीम और अंतिम सत्य उस पर ध्यान केंद्रित करके पूजा में उपस्थिति की प्रार्थना करता है, जिससे उनमें आनंद, प्रेम और आदर की भावनाओं से पूरी तरह भर जाते हैं और वह उस विधि में सौभाग्यशाली माना जाता है। पूर्ण कुंभ यह पूर्ण रूप से आंतरिक हृदय से आवाहन किए इष्ट का स्वागत कर रहे हैं, यह दर्शाता है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए धर्म और विज्ञान के साथ।